बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश इसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पिछात चने की फसल के बारे में और बछड़ों की देखभाल के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ सूफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अम्लीय मिट्टी में पैदावार और उर्वरकों की क्षमता बढ़ाने के लिए चूने का करें प्रयोग। रबी फसल के लिए किसानों को अनुदान पर मिलेगा बीज। पिछात फूलगोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए स्नोबॉल 16। अब समाचार विस्तार से। अम्लीय मिट्टी में पैदावार और उर्वरकों की क्षमता बढ़ाने के लिए मिट्टी की अम्लीयता का सुधार चूना तत्व डालकर करें। जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो, ऐसी मिट्टी में खासकर दलहनी तेलहनी फसलों में चूना जैसे बेसिक स्लैग का प्रयोग जरूरी है। कृषि विभाग ने गत वर्ग से अधिक खेतों में रबी की फसल लगाने का लक्ष्य रखा है। इस बार करीब 12.51 लाख हेक्टेयर में रबी फसल लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने लक्ष्य तय कर जिलों को भेज दिया है, साथ ही जरूरी बीज भी संबंधित जिलों को भेज दिए गए हैं। किसानों के बीच जल्द ही अनुदान पर इसका वितरण किया जाएगा। किसान भाई, धान फसल कटने वाली है, धान फसल कटते ही सब्जी फसल लगाएं। खेत की तैयारी के समय सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें, साथ ही नेत्रजन फास्फोरस और पोटाश पर्याप्त मात्रा में खेत में मिला दें, इससे उपज अच्छी मिलती है। धान की फसल अभी कटने वाली होती है। पहले तो एक ही फसल हमारे झारखंड प्रदेश में होती थी, लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्र में किसान भाई पानी की व्यवस्था कर चुके हैं, चाहे वो कुआं के द्वारा, चाहे जल छाजन की विधि द्वारा, डोभा के द्वारा। तो अभी जैसे ही धान की फसल कटती है तो अगली फसल सब्जियों की, अगर गर्मा सब्जी लगाना है या टमाटर बैंगन लगाना है, तो खेत की तैयारी करते समय मैंने बताया सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें। और जो पोषक तत्व मुख्य रूप से नत्रजन फास्फोरस और पोटाश होते हैं, तो नत्रजन की 1/3 मात्रा फास्फोरस पोटाश के साथ मिट्टी में मिला दें और शेष बची नत्रजन को खड़ी फसल में लगाने के बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर देने से उपज अच्छा मिलता है और जीवांश भी बना रहता है। पिछात फूलगोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में माधी स्नोबॉल 16, डानिया पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल 1, के पूसा स्नोबॉल लगाएं। पिछात फूलगोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी का चयन करें। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, सुफूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। किसान भाई, बीजों को हिल पर बोने के लिए नवीन डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 3200 हिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में पत्ता अंगमारी रोग के नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% मेकोजेब या कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, इससे रोग पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, चने की खेती आप कर रहे हैं, लेकिन पिछात चने की खेती अगर करने वाले किसान इंतजार में हैं, तो उनके लिए ये फीचर बहुत ही लाभदायक है। चलिए, पिछात खेती के लिए कौन से प्रभेद का चयन करना चाहिए, इसका सही वक्त क्या है, फीचर के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए ले लेते हैं इसकी जानकारी। रबी मौसम में कई दलहनी फसलों की खेती की जाती है, इनमें से एक है चना। चना की बुआई का उपयुक्त समय है मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर। सही समय पर चना की बुआई सही समय पर धान या अन्य खरीफ फसलों की बुआई और कटाई पर निर्भर करता है। सही समय पर चना की बुआई और अच्छी उपज मिलेगी, जबकि विलंब से बुआई होने पर उपज में थोड़ी कमी आ जाती है। हालांकि पिछात चना की बुआई 15 से 30 नवंबर तक हो जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। राज्य के जो किसान चना की पिछात खेती करना चाहते हैं, वे हर हाल में 30 नवंबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। अच्छी उपज के लिए और बेहतर बीजा अंकुरण के लिए बुआई का समय खेत में नमी बनाए रखें, साथ ही चना का पिछात प्रभेद लगाएं। जहां तक चना का प्रश्न है, तो आप जैसा आप भी जानते हैं और हम लोग भी दूरदर्शन के माध्यम से हर जगह ये कहते आए हैं कि चना का जो लगाने का उचित समय क्या है, तो ये उचित समय होता है 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक, यानी नवंबर के मध्य तक आप चना जो है आराम से लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाई, आप जानते हैं कि खेत अगर समय पर खाली नहीं होगा तो आप भी चना भी समय पर नहीं लगा पाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपका खरीफ से शुरू होता है, लेट से मानसून का आना खरीफ में, और लेट से खेत को तैयार करना, और फिर लेट से वहाँ खरीफ फसल को बोना, और जब वहाँ पर लेट से आप बोएंगे तो क्या होगा कि वो खरीफ फसल मैच्योर यानी पकेगी भी देर से, और नतीजा यह होगा कि आपका खेत समय पर जो खाली होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। तो इसमें अक्सर हमारे किसान भाई क्या कहते हैं कि अब तो नवंबर का मध्य निकल गया है, यानी 15 नवंबर बीत गया है, तो अब चना को खेत में लगाना ये लाभप्रद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर 15 नवंबर से भी अगर आपका डेट आगे जा रहा है तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप 30 नवंबर तक ज़रूर अपने खेतों में चने की खेती कर लें, ताकि आपका इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और चने की खेती करने के लिए अगर 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आप जा रहे हैं, यानी कि समय से थोड़ी से आप लेट जा रहे हैं, या इसको सरल भाषा में कहें कि पिछात अगर चना की खेती कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सावधानियां आप बरतेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नुकसान नहीं होगा। सावधानियां में क्या है, जैसे उचित प्रभेदों का चुनाव करना। किसान भाइयों, चना के कई ऐसे उन्नत प्रभेद हैं जो पिछात खेती के लिए अनुशंसित है। इन प्रभेदों को लगाने से उपज में कमी नहीं आएगी और बुआई के समय मिट्टी में नमी रखें। सही बीजा अंकुरण होगा तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज मिलेगी। 130 से 135 दिन में तैयार होने वाले ऐसे दो उन्नत प्रभेद हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। पूसा 372 यानी पूसा 372, और दूसरी सबसे अच्छी वैरायटी है KGP 59। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, पूसा 372, पूसा 372 और KGP 59। ये दोनों प्रभेद ऐसे हैं कि अगर पिछात में इसको आप लेके जाते हैं तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा, जो जर्मिनेशन है वो सही होगा, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कहा कि खेत में नमी जरूर बनाए रखें। चना के उन्नत प्रभेदों से अच्छी उपज पाने के लिए पौध संरक्षण पर ध्यान देना होगा। चना के पौधों में सबसे अधिक उखटा रोग और फली छेदक कीट लगने की संभावना रहती है। उखटा रोग से बचाव के लिए बुआई से पहले अनुशंसित मात्रा में कार्बेंडाजिम दवा से बीजोपचार करें, जबकि फली छेदक कीट से रोकथाम के लिए फूल आने से पहले इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। चना में सबसे बड़ा बीमारी होता है वो उखटा रोग होता है। आप देखेंगे कि चना का पौधा जो है बड़ा हो गया है,
और धीरे धीरे वो सूख करके पीला पड़ गया, पीला पड़ने के बाद सूख गया वहीं पर, उसमें कोई फली नहीं आई। तो इसको हम लोग बोलते हैं उकठा रोग। तो उकठा रोग से बचाव के लिए आपको ये करना चाहिए कि कार्बेंडेजिम दवा जो है उसकी 2 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से आप उसको ट्रीट करने के बाद ही खेत में लगाएं। एक तो उकठा रोग का के बारे में बताया, और दूसरा जो सबसे भयंकर जो बीमारी कीड़ा जो लगता है, आप देखे होंगे आप चना का फली छील रहे हैं उसमें हरे रंग का कीड़ा निकल जाता है, जिसको फली छेदक बोलते हैं। तो ये फली छेदक भी चना को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए भी जो है कि अगर आप चना का में चाहते हैं कि इस तरह का कीड़े ना लगे, तो फिर आपको इंडोक्सा कार्ब दवा जो है 0.5 ml, इंडोक्सा कार्ब दवा 0.5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके इसका घोल करें फूल आने से पहले। पिछात चना के बेहतर उत्पादन के लिए 2 बातों पर विशेष ध्यान दें, एक है सही समय पर सिंचाई और दूसरा है अनुशंसित उर्वरकों का प्रयोग। चना में फूल लगने के समय और फल लगने के समय जरूर सिंचाई करें, जबकि खाद का प्रयोग बुआई के समय ही करें। बुआई के समय अनुशंसित मात्रा में नेत्रजन, फास्फोरस, म्यूरेट ऑफ पोटास और सल्फर दें। चना में पानी के हिसाब से 2 बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होते हैं, जिसमें अगर चना में उस समय पानी नहीं दिया जाए तो आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। एक तो है कि जो मैंने कहा कि जर्मिनेशन के टाइम में यानी अंकुरण के टाइम में आपको खेत में सुनिश्चित करना चाहिए कि नमी रहे। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपका अंकुरण 100% हो जाए। तो इसको हम नहीं मानेंगे कि पानी चाहिए यहाँ पे, ये तो आपको देना ही देना है। लेकिन इसके अलावा जब फूल आने का समय होता है तो फूल आने के समय 1 सिंचाई, और जब फल लगने लगता है तब उस समय 1 सिंचाई, यानी 2 सिंचाई ऐसे हैं चना के फसल में जो अगर हमारे किसान भाई नहीं करेंगे तो उनको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि फूल आने से पहले 1 सिंचाई दें, और जब उसमें फल लगने लगे तब उसमें 1 सिंचाई की व्यवस्था करें। देखिए, चना ऐसी फसल है जिसमें आप जानते हैं कि ये दलहनी फसल है, तो इसमें नेत्रजन की मात्रा जो आवश्यकता होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है कि इसमें नोड्यूल्स होते हैं और वो अपने ज़रूरत का नाइट्रोजन वायुमंडल से अपने लिए खुद ही बना लेते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए मैं कहूँगा कि 25 केजी नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट, 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास जो लाल वाली खाद होती है, और इसमें अगर 25 किलो सल्फर भी अगर आप किसान भाई हमारे डालते हैं तो इनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। और ये सारे खाद को बुआई के समय ही किसान भाई को खेत में डालना चाहिए। तो ये थी पिछात चना की खेती और उसके उन्नत प्रभेदों की जानकारी। किसान भाई, आप पिछात चना की खेती करें तो इस जानकारी का लाभ जरूर उठाएं, आपको अच्छी उपज और अच्छी आमदनी मिलेगी। और अब वादे के मुताबिक हम बात करेंगे, किसान भाई बहन के पास में पशु भी है और चूजे हैं, बछड़े हैं, और छावनों की देखभाल की बात है। जिस तरह किसान भाई बहन अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, जाड़े के मौसम में अपने पशु के बच्चों की भी देखभाल उसी तरह से करते हैं। तो चूजों, छावनों और बछड़ों की देखभाल कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी हम फीचर के माध्यम से आपको दिलवाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और जाड़े के मौसम में उन्हें काफ़ी आराम होगा। पशुपालक भाइयों, आज हम ये जानेंगे कि ठंड के मौसम में मुर्गी के बच्चे, गाय के बच्चे और बकरियों के बच्चों की देखभाल कैसे करें। पहले जानते हैं चूजों के बारे में। ठंड का मौसम चूजों के लिए जानलेवा है। चूजों को ब्रूडिंग अवधि तक ठंड के प्रकोप से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान ठंड के कारण कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन रोग व्याधियों से होने वाली चूजों की मौत से मुर्गी पालकों को काफ़ी घाटा उठाना पड़ता है। ना चूजा मरे ना आपको घाटा हो, इसलिए चूजों को ठंड से बचाएं। चूजों में और मुर्गियों में श्वास संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यदि शुरुआती दिनों में, मतलब कि ब्रूडिंग स्टेज में खासकर, अगर हम ठंड से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मोर्टालिटी दर यानी मृत्यु दर पर हम काफ़ी नियंत्रण पा लेते हैं। जो चूज़ों को, जो मुर्गियों की जो बिजनेस है, जो कि बहुत ज़्यादा मृत्यु दर के कारण इतनी प्रभावित है, श्वास संबंध बीमारियों के कारण प्रभावित है, यकीन मानिए ठंड में सही देखभाल से हमारा मुनाफा निश्चित ही बढ़ जाएगा, इसीलिए देखभाल करनी चाहिए। जन्म के बाद चूजों को 4 सप्ताह तक ब्रूडिंग हाउस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रूडिंग उस व्यवस्था का नाम है जिसमें बल्ब की रोशनी में चूजों को अनुकूल तापमान दिया जाता है। चूजों के बढ़ते उम्र के साथ सप्ताह दर सप्ताह ब्रूडिंग का तापमान कम करते जाएं।
पोल्ट्री फार्म में चूजों को लाने से पहले ब्रूडिंग का पुख्ता इंतजाम कर लें। रात के वक्त आवास के खुले स्थान को प्लास्टिक से ढक दें ताकि शीतलहरी से चूजों को बचाया जा सके। इसके अलावा चूजों को उसके निश्चित उम्र में रानीखेत, गम्बोरू और कॉक्सीडिया का टीका दिलाएं। पीने के लिए साफ और गुनगुना पानी पीने को दें, साथ ही रोग रोधी क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक दवा दें। किसान भाइयों, घबराएं ना, एक चीज याद रखें कि यदि आप सही तरीके से देखभाल करते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि जो चूजों को आप ला रहे हैं, यदि हैचरी आपके यहाँ की ही है तो उसी उस कंडीशन में भी आप ब्रूडिंग जो हाउस है उसका टेम्परेचर या तापमान को सही नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी जानते होंगे कि 4 सप्ताह तक लगभग हम लोग उसको ब्रूडिंग हाउस में रखते हैं, जिसका कि तापमान सबसे शुरुआत में, या फिर मान लीजिए अगर आप बाहर के हैचरी से उसको ला रहे हैं तो उसको किसी भी हालत में ब्रूडिंग हाउस में चूज़ों को लाने के कम से कम अगर 24 घंटे पहले आप तैयार कर लेते हैं उसका वो ब्रूडिंग हाउस, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। उसको चारों तरफ से आप पैक कर दीजिए ताकि बाहर से हवा, ठंडी हवा प्रवेश ना करे। आप प्लास्टिक के बोरे वगैरह भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट जो छोटे स्तर पर किसान भाई चूजे रखते हैं और अपने हाथों से ब्रूडिंग हाउस बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि ठंड पड़ने के पहले सीगर जो होता है वो कोयला, या फिर मान लीजिए पेट्रोलियम सिलेंडर या गैस, या उस तरह की गर्मी प्रदान करने वाली, या फिर मान लीजिए बांस से बने हुए टोकने जिससे कि वो ब्रूडिंग हाउस तैयार करते हैं, वो भी वो पहले से तैयार रखते हैं। और कई बार क्या करते हैं, उसको वो छोटे मात्रा में अगर वो चूजे रख रहे हैं तो उसको वो चारों साइड से प्लास्टिक की एक परत से उसको लपेट देते हैं। किसी भी हालत में कहने का मतलब है आपके पास 4 से 5 घंटा पहले जो ब्रूडिंग हाउस है उसमें चूजों को लाने के पहले उसका तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में फिर से बता रही हूँ, ज़रूर होना चाहिए। और हम उसको प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको हम क्या करेंगे, मतलब इस तरह से नियंत्रित करते जाएंगे ताकि आपका जो फाइनल स्टेज है 5-5 डिग्री करके उसको हम लोग नियंत्रित करते जाएंगे, या उस ब्रूडिंग हाउस का टेम्परेचर घटाते जाएंगे ताकि फाइनल वीक में वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर वो चूजे लाइट की सोर्स से, रोशनी की सोर्स से दूर भाग रही है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसको गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो इन दोनों ही अवस्था में आपको वो नियंत्रित रखना होगा तापमान को प्रति सप्ताह। उसके अलावा तो जो टीकाकरण का शेड्यूल होता है उसको आप नॉर्मल फॉलो करें। मैरिक्स की जो बीमारी होती है उसके लिए टीकाकरण करके ही चूजों को दिया गया आपको हैचरी से होगा, वरना जिस दिन आप चूजों को लाएं उसी दिन मैरिक्स डिजीज़ का आप उसको वैक्सीन दिलवाएं, टीका दिलवाएं। यद्यपि एक सहूलियत की बात यह है कि प्रत्येक कंपनी का जो टीका होता है वो अपने टीकाकरण के शेड्यूल और उसके डोज के साथ आता है, जो आपको आपके पशु चिकित्सक जो होंगे जिनसे आप संपर्क करें वो आपको बता देंगे। फिर भी थोड़ी सी रूपरेखा दे दूंगी, 7वें दिन में आप उसको रानीखेत का पहला टीका दे दें, आँख में दे सकते हैं या फिर नाक में, या फिर आप उसको विंग वेब में, और उसके बाद आप 7वें के बाद 14वें दिन में उसको गम्बोरू बीमारी का टीका दें। 25वें दिन में रानीखेत का उसको आप लसोटा स्ट्रेन का वैक्सीन दें, और जब वो 0.5 किलो के करीब आपका वो चूजा हो जाता है उस समय में उसको रानीखेत का दूसरा डोज देना चाहिए। इस बीच में कुछ ख्याल रखिएगा कि जब वो 150 से 200 ग्राम का वो चूजा था तो उसकी डीवॉर्मिंग करा दें, और उसके बाद उसको कॉक्सीडियोस्टैट जो है, जिस समय में रानीखेत का मैंने बताया दूसरा डोज दे रहे हैं वैक्सीन का 0.5 किलो के समय में, उस समय में उसको कॉक्सीडियोस्टैट, कॉक्सीडिया से बहुत मृत्यु होती है आप लोगों को पता है, और ये नाम मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सभी किसान भाई इससे अवगत होंगे। उसके अलावा और जो बातें हैं वो याद रखिएगा कि उसको साफ पानी सुनिश्चित करें, और चूंकि ठंड के मौसम में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से बीमारी होने का डर रहता है, इसीलिए आप हल्का जो होता है एंटीबायोटिक उसको जैसे एमोक्सिसिलिन वगैरह बहुत ही कम डोज में 1 लीटर पानी में मिलाकर दे सकते हैं, जो दिन भर में वो एडलिप अपनी मर्जी से वो पिएगा। ये तो रही कुछ ये, और हाँ एक छोटी सी टिप याद रखिएगा कि जो वो अंडे देती है मुर्गी, ज़्यादा ठंड के समय में कोशिश करिए कि यदि आपके पास वो सुविधा है तो वो सुबह अंडे दे, रात जो जाते जाते, क्योंकि ठंड वाली जगह पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, और 4 सप्ताह के बाद आप उसे ब्रूडिंग हाउस से बाहर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। गाय के बछड़ों को ठंड लग जाए तो न सिर्फ उसकी तबीयत खराब होती है बल्कि उसका शारीरिक विकास भी मंद पड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बछड़ों के शरीर में वसा की मात्रा बहुत कम होती है, और वसा भी शारीरिक विकास में उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य पोषक तत्व। वसा से शरीर को ऊष्मा मिलती है। ठंड लगने पर अनुकूल गर्मी प्राप्त करने के लिए बछड़ों का शरीर अधिक मात्रा में वसा का अवशोषण करता है, इससे वसा की मात्रा और भी घट जाती है। बछड़ों को इस समस्या से बचाने के लिए उनका ऐसा आवास प्रबंधन करें कि उन्हें अनुकूल गर्मी मिल सके। जो बछड़े होते हैं उनके शरीर में उनके वजन का लगभग 4 से 5% ही वसा यानी कि फैट होता है। याद रखें कि अगर उसे हम
गर्म जगह नहीं देंगे या ठंड में ज़्यादा गर्मी वाली जगह नहीं देंगे तो ये याद रखिएगा कि फिर उसके शरीर का वसा जो है उसको वो बर्न करेगा या उसको वो जलाएगा अपनी गर्मी को प्राप्त करने के लिए। और अगर ऐसा होगा तो उसका विकास दर जो है वो हैम्पर होगा, उसमें ग्रोथ हैम्पर, क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ 3-4% तक वसा होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसे खुश होकर उसे ज़्यादा वसायुक्त भोजन दे। ऐसा करेंगे तो फिर वो प्री स्टार्टर राशन आपका वो सही से या स्टार्टर राशन नहीं लेगा। तो दूसरी बात जो ख्याल रखने लायक है, तो उसको गर्मी कैसे प्रदान करें। सबसे अच्छा किसान भाइयों तरीका हमेशा का माना हुआ और हमेशा जो चलता रहेगा वो है कि उसको जहां आप रख रहे हैं खेत, जहां आप खलिहान में उसको रख रहे हैं, वहां अगर हम तीन तरफा अगर बंद रहे हैं और दक्षिण की तरफ खुलता हुआ दरवाज़ा है, लेकिन वेंटिलेशन तो होनी चाहिए, उसको आप तापमान नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा है कि उसको आप बेडिंग मटेरियल, मतलब जिस पर वो सोएगा या रात में खास करके लिए, उसको आप पुआल की अच्छी खासी उसको विश्राम करने लायक जगह उसको दीजिए। आप अपने पूरे वजन से उस पर हाथ रखकर अपने ठेहुने को टिकाएं। यदि आपके ठेहुने पर, वस्त्र पर या पैंट जो भी आपने पहनी हुई है उस पर अगर नमी लगती है तो ये इंगित करता है कि आपके पुआल में नमी ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है, जिससे आपके बछड़े को बीमारी हो सकती है। और रेगुलर इंटरवल पर हमेशा उस पुआल को बदलते रहिए, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। और एक और चीज़ है कि अगर तापमान काफ़ी कम है तो अगर वो बछड़ा गाय का दूध पी रहा है तो उसको एक बार, उसको जो दूध पिलाने की मात्रा है वो एक बार और बढ़ा दीजिए। जैसे यदि नॉर्मल कंडीशन में दो बार पिलाते हैं तो उसको तीन बार पिलाइए। एक बार में ही उसे ज़्यादा करके सॉलिड ना दें, क्योंकि अगर 18% से ज़्यादा उसको सॉलिड मिल जाएगी तो उसका पेट खराब बछड़े का हो सकता है। अब करते हैं बात बकरी के छौनों की देखभाल की। छौनों के शरीर पे उगे पर्याप्त घने बाल उन्हें आवश्यक गर्मी प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें संतुलित पौष्टिक आहार दें और उनका उचित लालन पालन करें। आवास में बकरियों को झुंड में रखें, शरीर को अधिक ऊर्जा वाला हरा चारा दें, साथ ही छौनों को बैठने के लिए फर्श पर पुआल बिछा दें और पीने के लिए सुसुम पानी दें। ठंड बढ़ जाए तो आवास में अलाव की भी व्यवस्था करें। बकरियों के साथ एक बात अच्छी ये होती है कि अगर आपने उसका लालन पालन सही तरीके से किया तो उसके शरीर पर जो बालों की एक कोट होती है वो थोड़ा उसको मदद करती है। लेकिन फिर भी ठंड में कुछ बातों का ध्यान उनके लिए भी रखें कि खलिहान में पुआल की व्यवस्था करें या जहां उनको रख रहे हैं पुआल की व्यवस्था करें। बकरियों के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ पाया गया है, आपके लिए ये बड़ा ही अच्छा टिप्स हो सकता है कि आप बकरियों को यदि झुंड में 2-3 के रखते हैं तो उससे उनको स्वतः ही थोड़ी सी गर्मी मिलती है। घास जो उनको देते हैं उसमें थोड़ा सा ऊर्जा वाले घास ज़्यादा दें, जैसे मिश्रित घास, अल्फा अल्फा युक्त, इन सबसे उनको थोड़ा सा गर्मी मिलती है। उसके अलावा आप एक चीज़ सुनिश्चित करें कि यदि वो ठंड जगह पे है तो उसको रेगुलर इंटरवल पर पानी बदलते रहें। इनफैक्ट किसान भाइयों ये तो सभी के लिए लागू होती है, ये आपका फ़र्ज है कि आप पानी को गर्म करने के लिए हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। टैंक हीटर आजकल लोग लगाते हैं ताकि उनको गर्म पानी मिले। लेकिन बकरी थोड़े से जो बछड़े होते हैं, बकरी गाय के बछड़े या बकरियों के छौने थोड़े चुलबुले होते हैं, ये देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वो बिजली की तार को छुएं या खलिहान में पुआल में आग लगने का ठंड में बहुत डर रहता है और इस तरह के बहुत केसेस से मृत्यु होती है। तो इन सब बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि चाहे वो पानी गर्म करने का उपकरण हो, चाहे आपने रूम का तापमान गर्म करने का उपकरण रखा हो, उसके तार को तरीके से सुनिश्चित करें ताकि वो उसे मुँह में ना ले। और वोल्टमीटर रखें अगर पॉसिबल हो, ताकि किसी भी जानवरों के बछड़ों को जिनको आप गर्म पानी दे रहे हैं, ताकि इससे आप ये देखते रहें कि उसके कहीं पानी में करंट तो नहीं जा रहा है। और इन सब चीज़ों की मदद से आप निश्चित ही आप अपने जानवरों के बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। देखा किसान भाई बहनों कि अपने छोटे छोटे जो पशुओं के बच्चे हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है और कैसे उन्हें सुरक्षित रखना है इस जाड़े के मौसम में। चलिए आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। अगर आपके पास कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं या आपके पास में कोई सुझाव है जो हमें देना चाहते हैं तो कॉपी और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। किसान भाइयों अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube और Facebook और Twitter के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।